चरखी दादरी के रहने वाले 10 वर्षीय यश सांगवान ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कम उम्र में भी उपलब्धियों की बुलंदी को छुआ जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 10 साल की उम्र में शरारती यश को उसके शरारती स्वभाव ने बॉक्सर बना दिया। इतना ही नहीं, बॉक्सर भी ऐसा जिसने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। और तो और, जीवन के महज 10 बसंत देखने वाला ये यश अब अपनी निगाहें टिकाए हुए है भारत के लिए ओलंपिक पदक पर। उसकी आंखों में बसे ओलंपिक गोल्ड मेडल के सपने जुनून के बल हकीकत की धरातल पर उतरने को लालायित हैं। यश का कहना है कि वक्त के साथ कदम ताल करते हुए वो अभी से पूरी लगन और समर्पण के साथ ओलंपिक में खेलने की तैयारी कर रहा है। मैं चौथी क्लास में तब मैंने टीवी देखा है, मारे तो मन मेरा पापा थी कि किस लैंड की, फिर मेरी माँ लागे, फिर एक दिन अकेडमी का इंतजाम था, तब मेरे पापा थी कहीं अकेडमी जाने की, फिर मेरा पापा ने अकेडमी 5 फाइट हुई थी, पहली राजस्थान, दूसरी चंडीगढ़, तीसरी उड़ीसा, चौथी यूपी, पांचवी जम्मू कश्मीर। आज जो मैं गोल्ड मेडल लाया हूं, मैं न्यूज़ हूं कि मैं इंडिया खातिर भी गोल्ड मेडल लाया हूं। वहीं देश को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने का अपना सपना पूरा करने के लिए यश को उसके पिता विजेंद्र सांगवान और मां अंजता ने खूब प्रेरित किया। अपने माता पिता को ही आदर्श मानकर यश ने महज 6 साल की उम्र में ही खेलों की ट्रेनिंग लेना शुरू की। धीरे धीरे वो खंड स्तरीय, जिला स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने लगा। इतना ही नहीं, इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर यश ने नेशनल गेम में भी स्वर्ण पदक झटक कर छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। इसकी एक्टिविटी को देखते हुए मैंने इससे बात की, भाई तू क्या करना चाह रहा है? तो इसने बताया, पापा मैं गेम करूँगा और बॉक्सिंग करूँगा, मेरे लिए किट लाओ। मैंने इसके लिए किट लाए, ग्लोव्स लाए, जितना हो सके छोटा मोटा आइटम हम लेके आए और ये प्रैक्टिस करता था। और एक दिन सौभाग्य से हमारे को एकेडमी के आगे जाने का मौका मिला, तो इसने देखा तो बोला, पापा मेरे को इसमें डालो। मैंने कोच से बात की और उसमें डाला, और 2 साल के अंदर ये नतीजा है कि ये बच्चा नेशनल तक खेल के आया और गोल्ड मेडल लाया। बहुत खुशी की बात है, पूरे गांव की, पूरे चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशी बात है कि 20 kg के अंदर ये पहला गोल्ड मेडलिस्ट है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में। आगे की हमारी यही उम्मीद है, एकेडमी में है, अभी भी हॉस्टल में रहता है और दिन रात प्रैक्टिस करता है और देश की जोड़ी में बहुत सारे मेडल डाले, इंटरनेशनल लेवल पर खेले और भारत का नाम रोशन करे। वहीं यश के कोच अजय सांगवान बताते हैं कि जम्मू में हुई नेशनल वुशू प्रतियोगिता में खेलने से पहले जब वजन चेक किया गया तो यश का वजन 3 kg ज्यादा पाया गया, जिसके बाद यश का हौसला टूट गया। लेकिन उसने कड़ी मेहनत और अपने जज्बे का परिचय देते हुए प्रतियोगिता से महज 11 घंटे पहले 9 घंटे तक लगातार भागकर अपने 3 kg वजन को कम किया। जब वेट चेक किया गया तो कैटेगरी में पाया गया, जिसके बाद यश ने एक के बाद एक खिलाड़ी को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया। यश के पापा जी शुरू में अकादमी के अंदर लेके आए थे, तब इस बच्चे के अंदर ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन ऐसे के आपस में अपने साथ के बच्चों के साथ शरारत करता, तब ये अपने करीबन 12 फुट ऊंची एक छत है उससे ये छलांग लगा देता था। तब इसको, इसके हुनर को देखते हुए सभी बच्चों ने हमें ऐसे ही, यानी कि इसका ब्रूसली नाम रख दिया। तो तभी से इसके, इस बच्चे की रुचि को देखते हुए थोड़ी और इसको प्यार से मनाते हुए इसके ऊपर ध्यान दिया और इसकी कड़ी मेहनत करवा के इस बच्चे ने अपने 12 वर्ग से ज़्यादा इसका वेट होने के कारण इसने अपना वेट सेट करके और इसने अपने इस मुकाम को हासिल किया है। अकादमी या उशू में चरखी दादरी क्षेत्र का पहला गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। 17वीं सब जूनियर उशू नेशनल चैंपियनशिप जो कि जम्मू में आयोजित हुई थी। इतना ही नहीं, यश के कोच अजय बताते हैं कि जब चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन हो रहा था तो यश की प्रतिभा को देख चयनकर्ता इतने प्रभावित हुए कि यश को सीधा नेशनल प्रतियोगिता के लिए चुन दिया। इस बच्चे के फाइनल फाइट जम्मू के साथ हुई थी, उसमें इस बच्चे ने फर्स्ट फाइट का स्कोर था इसका 2-13 का, तीसरी का 3-13, सेकंड का इसका 6-7 का, 7 जम्मू के थे, 6 इसके थे, और सेकंड थर्ड राउंड के अंदर इस बच्चे का 2-14 का स्कोर रहा, जिसमें कि 12 ऊपर पॉइंट होने के कारण इस बच्चे को विनर कर दिया गया। इस बच्चे की आगे की तैयारी के लिए हमें उम्मीद है और हमें इतना कॉन्फिडेंस भी इस बच्चे के अंदर है कि ये आगे
कंटिन्यू मेहनत करके और अपनी लगातार हौसले, जैसे कि पेरेंट्स इनके हौसला अफजाई करते हैं, ताकि हम यही चाहते हैं कि इनकी अच्छी सी मेहनत करके अच्छी सी प्रैक्टिस करवा के ये आगे अपने भारत के लिए अपने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाए। सत्य खबर भी यश को उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।